गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और इस कोरोना में लगे लॉकडाउन को सही ढंग से पालन कर रहे होंगे। मैंने अपने पिछले क्लासेस में 3 वीडियो अपलोड किया था और अब मैं ये इसका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर 6 का यूनिट 3 का सेकेंड चैप्टर आज कवर करने जा रही हूँ। ये है रोल ऑफ स्कूल इन एड्रेसिंग जेंडर इश्यूज। लिंग मुद्दों के संबोधन में स्कूल की भूमिका, स्कूल की क्या भूमिका है या किस तरह से वो लिंग असमानता या लिंग भेद को किस तरह से सुलझा सकता है, किस तरह से लिंग समानता हासिल कर सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम और विद्यालय के सभी कार्यक्रम लिंग असमानता को संबोधित करने में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये 2 तरह से कर सकते हैं इस चीज़ को, एक तो विद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा और दूसरा स्कूल की सभी कार्यकलापों के द्वारा लिंग असमानता को दूर किया जा सकता है, इसको ये लोग दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक विकास कार्यक्रम सेक्स एवं रिलेशनशिप एजुकेशन, सेक्स एवं संबंधों की शिक्षा, ये स्कूलों में देना बहुत ज़रूरी है। ये एक कार्यक्रम बनाया गया था, विकास कार्यक्रम सेक्स एंड रिलेशनशिप एजुकेशन, सॉरी, इसको लागू करना बहुत ज़रूरी है स्कूलों में। तो सेक्स एजुकेशन फोरम में ने भी लिंग मुद्दों पर एक मैगज़ीन प्रकाशित की है और ये मैगज़ीन दर्शाती है कि कैसे शक्ति और नियंत्रण के मुद्दे संबोधित किए जा सकते हैं, यानी किस तरह से हम शक्ति का दुरुपयोग होने से बचा सकते हैं और किस तरह से उन पर नियंत्रण लागू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इसके लिए हम ड्रामा का प्रयोग करके इस कार्य को कर सकते हैं, ड्रामा के द्वारा दिखा सकते हैं कि किस तरह से अगर कोई एक लिंग का व्यक्ति दूसरे लिंग पर शक्ति का प्रयोग करता है या शक्ति के द्वारा उसको दबाने की कोशिश करता है, उस पर अत्याचार करने की कोशिश करता है, तो इसको हम ड्रामे के द्वारा दिखा सकते हैं कि ये गलत है। तो ये उपागम नए शोधकर्ताओं के द्वारा भी सराहा गया है, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है कि जब लिंग और संबंधों की शिक्षा, ये कार्यक्रम लिंग असमानता को सीधे, लिंग असमानता के बारे में जब ये कार्यक्रम सीधे वर्णन करता है, उसके बारे में सीधे बताता है, तो ये युवाओं के स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने में भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जब हम डायरेक्ट उनको ये बताते हैं कि लिंग असमानता किस तरह से गलत है या इस तरह की असमानताएँ करना ठीक नहीं है, तो ये युवाओं के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं और इससे उनकी भलाई भी होती है और ये ज़्यादा उनका भला करने में ज़्यादा प्रभावशाली होते साबित हुए हैं इस तरह के तरीके। तो देयर इज मच स्कूल कैन डू टू एड्रेस इन जेंडर इन इक्वेलिटी बोथ विद इन द करिकुलम एंड थ्रू अ होल अप्रोच ऑफ द स्कूल। अ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ सेक्स एंड रिलेशनशिप एजुकेशन इज एसेंशियल। The Sex Education Forum has published the gender issue, a magazine to support schools in developing SRE. SRE मतलब Sex Relationship Education that addresses gender inequality. तो इसने स्कूल को हेल्प करने के लिए ये एक प्रोग्राम बनाया है ताकि स्कूल इसको देखकर इनइक्वालिटीज़ को दूर कर सके, असमानता को दूर कर सके। तो द मैगजीन ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ इशू ऑफ पावर एंड कंट्रोल कैन बी एड्रेस्ड एक्सप्लिसिटी फॉर एग्जाम्पल यूजिंग ड्रामा एक्टिविटीज। तो दीज इशूज कैन बी एड्रेस्ड बाई यूजिंग ड्रामा एक्टिविटीज। दिस अप्रोच इज सपोर्टेड बाई न्यू रिसर्च स्कॉलर्स, न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स दैट वेन Sex and Relationship Education discusses gender inequality directly, it is more effective in improving health and well-being outcome for young people. तो ये काम हम
और भी इसको हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हम इसमें इस कार्य को छात्रों में सम्पान पूर्ण व्यवहार के शिक्षण के द्वारा भी इसको हम उसमें इस तरह के व्यवहार का विकास कर सकते हैं, यानी छात्रों को हम स्कूलों में शिक्षण दे सकते हैं कि किस तरह से दूसरे लिंग के लोगों के लिए सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से वह दूसरे लिंग के लोगों का सम्मान कर सकते हैं। और ये बताया जा सकता है कि दादागिरी करना या दूसरे लिंग के लोगों को परेशान करना गलत है। जैसे अक्सर स्कूलों में देखा गया है कि लड़के अपने आप को पावरफुल समझते हैं, अपनी ताकत का गलत उपयोग करने की कोशिश करते हैं, वो लड़कियों को अक्सर डराते धमकाते हैं या किसी भी तरह से परेशान करते हैं, चढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। तो इसको हम शिक्षा के द्वारा बच्चों में ये बात डाल सकते हैं कि किस तरह से उन्हें दूसरे लिंग के लोगों का सम्मान करना है। तो दिस वर्क कैन बी कम्बाइंड विद टीचिंग अबाउट रिस्पेक्टफुल बिहेवियर एंड हाउ इट इज़ रॉन्ग टू टीज और बुली। जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करने के लिए ये स्कूल का पूरे स्कूल का अप्रोच होना चाहिए, पूरे स्कूल का कार्यक्रम होना चाहिए कि हम लिंग समानता को बढ़ावा दें। जैसे कि बहुत सारे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पर ज़्यादातर स्कूलों में महिला शिक्षिकाएं ही इस कार्यक्रम को चलाती हैं, संचालित करती हैं। सेक्स एंड रिलेशनशिप एजुकेशन कार्यक्रम का संचालन अधिकतर महिलाएं चलाती हैं बजाय पुरुषों के। तो ऐसा क्यों है? क्या पुरुष इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या उनकी रुचि नहीं है, या वो इस कार्य के लिए उनको कहा नहीं जाता है, उनको इनकरेज नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये एक तरह की लिंग असमानता ही है कि ये कार्य सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है, या महिलाएं ही इस कार्य को करना ज़्यादा बेहतर समझती हैं, क्योंकि ये स्त्रियों से संबंधित मुद्दे ज़्यादा होते हैं इसमें। तो लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये मुद्दा बहुत नया नहीं है, लिंग असमानता का मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी ये हमारे जीवन को, स्कूलों के जीवन को, खासकर छात्रों और स्टाफ के जीवन को प्रभावित करता है। इसका बुरा प्रभाव स्टाफ और छात्रों पर पड़ता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो लिंग जागरूक स्कूल हैं, विद्यालय हैं, लिंग के प्रति जागरूक हैं जो विद्यालय, वो इसके लिए, इस रुकावटों को तोड़ने के लिए नई पहल कर सकते हैं, कोशिशें कर सकते हैं, और उन्हें करना भी चाहिए। ये ज़रूरी भी है कि वो पहल करें ताकि इन रुकावटों को दूर कर सके जो कि लिंग समानता के रास्ते में आते हैं। Promoting gender equality must also be part of whole school approach. For example, many more women teach sex and relationship education than men. Is this because men are not interested in the subject, or because they are not asked or encouraged to teach it? The fact remains that while gender inequality may not be new, it continues to affect the lives of both pupil and staff. So therefore, a more switched on approach to breaking down these barriers can and should be part of every school which is gender aware school. It should be part of everyday work of gender aware schools. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर कि जेंडर इक्वेलिटी या लिंग समानता स्कूलों में या शिक्षा में लिंग समानता कैसे आ सकती है, या क्या है लिंग समानता, क्या है विद्यालय में या शिक्षा में हम लिंग समानता को कैसे देखते हैं, कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और लिंग समानता नहीं होने से उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा लिंग समानता के महत्व को एक महत्वपूर्ण मानव विकास के समान मानव विकास के औजार के रूप में लिया जाता है। लिंग समानता इतना महत्वपूर्ण है कि इसको हम इंसान के समान विकास के लिए एक औजार के रूप में लेते हैं, उनके समान विकास के लिए एक औजार के रूप में काम करता है, और इसे संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी व्यापक योजनाओं और
समिति के द्वारा संबोधित किया है। उन्होंने भी, संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे को उठाया है और इसके बारे में बात की है। तो स्त्रियों की स्थिति पर एक आयोग बना था, जो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, एक आयोग है स्त्रियों की स्थिति पर आयोग, ये भी स्त्रियों को एक आधारभूत मानव के तौर पर लड़कियों को समान अधिकार के द्वारा शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। यानी एक इंसान को एक बस बराबरी का दर्जा देते हुए, महिलाओं को, लड़कियों को भी बराबरी का दर्जा देते हुए, उनको बराबर का अधिकार देते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर देता है कि उनको शिक्षा में बराबरी का हक मिलना चाहिए और शिक्षा, प्रशिक्षण और विज्ञान की शिक्षा तक समान पहुँच महिलाओं और बालिकाओं की का सशक्तिकरण करती है। अगर हर तरह की शिक्षा, हर तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम और विज्ञान की शिक्षा में उनकी बराबर पहुंच होती है तो इससे महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण होता है और ये वैश्विक आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के संदर्भ में है। यानी अभी हमारे विश्व की आर्थिक और तकनीकी तौर पर विश्व में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि उनको हर तरह की शिक्षा में समान अधिकार प्राप्त हो। द इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वेलिटी हैज़ बीन एम्फसाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन अ लार्ज स्केल विच हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस थ्रू इट्स वाइड पॉलिसीज एंड कमिटी एजेंडाज। द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन एम्फसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड स्टेट्स दैट इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड साइंस एजुकेशन इम्पावर्स वेमेन एंड गर्ल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब आइए बैरियर्स इन जेंडर इक्वेलिटी। अब शिक्षा में क्या क्या बाधाएं हैं लिंग समानता की, क्या क्या बाधाएं, क्यों हम लिंग समानता हासिल नहीं कर पा रहे हैं शिक्षा में, या क्या क्या रुकावटें आ रही हैं। बैरियर्स इन जेंडर इक्वेलिटी या लिंग समानता में आने वाली बाधाएं, तो इसमें लिंग समानता के लिए स्त्रियों को समान अवसर देना, समान मौके देना ज़रूरी है। अगर हम लिंग समानता हासिल करना चाहते हैं तो स्त्रियों को बराबर का हक देना ज़रूरी है और ये मौके सामाजिक और लिंग भेद के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अगर हम उनको मौके नहीं देते हैं तो उससे सामाजिक भेद होगा और उसमें बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ेगी। तो स्त्रियों के मामले में साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक, यहाँ तक कि मूल परंपराएं इसे और बढ़ावा देती हैं। अगर हमारी जो मूल परंपराएं हैं इस लिंग भेद को बढ़ाने में ज़्यादा योगदान देती हैं और साथ ही साथ हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो भी इसको और बढ़ावा देती हैं। हमारा धर्म भी कहता है कि स्त्रियों का काम है घर की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना और संस्कृति भी यही चली आ रही है बहुत दिनों से। तो जैसे कि महिलाओं को बच्चों की देखभाल करना वाली ही समझना संस्कृति के द्वारा या प्राचीन परंपराओं से ये धारणा चली आ रही है। तो लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ स्त्रियों ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, उन्होंने बहुत सफलता हासिल की है। लेकिन फिर भी संकुचित भावना के कारण, लोगों की ऋणात्मक धारणा के कारण आज भी ये काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। ये स्त्रियों को सामाजिक बंधनों की जंजीरों को तोड़ना मुश्किल कर देती हैं। हमारी जो प्राचीन धारणाएं हैं या हमारी संकुचित भावनाएं हैं ये उनके सामाजिक बंधनों में उनको बांध कर उनकी जो जंजीरें हैं उसे तोड़ना मुश्किल बना देती है और उनकी व्यक्तिगत पहचान को ख़त्म करके घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर देती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि लिंग समानता प्राप्त करने से पहले हम उन कारणों को समझें कि जिनके पीछे लिंग असमानता है। हमें वो कारण जानना ज़रूरी है जिसकी वजह से लिंग असमानता है,
और जिससे महिलाओं के विकास की गति धीमी है. प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इज एसेंशियल टू अचीव जेंडर इक्वालिटी. ऑल्दो दीज अपॉर्चुनिटीज आर डीपली अफेक्टेड बाय सोशल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली टूवर्ड्स वुमेन, दीज बैरियर्स आर फर्दर री इन्फोर्स्ड by religious and cultural beliefs. Even some of the basic traditions such as recognizing women only as child bearer. Although there have been few important examples where women have broken all these social bondages and excelled in the field of education, particularly in the field of science and technology, but they are still hampered by negative stereotypes. And these make it impossible for women to break off the chain of social bondage and slow down their progress, hamper their integrity and confine them to household work. Thus, it is important for us to look down the root cause before even talking about achieving gender equality. So we have to remove these barriers so that women can develop freely. अब आइए कि ये समानता अगर हम लाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, समानता किस तरह से लाई जा सकती है या उसके लिए क्या प्रयास किया जा सकते हैं, लिंग असमानता का समाधान क्या है, सॉल्यूशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. तो बाय प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी वी कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द वर्क फोर्स स्पेशली इन डेवलपिंग इकोनॉमीज which will further help in bringing economic stability and strengthen workforce in these economies. Today, the fundamental challenge to achieve the gender equality and better workforce is poor access to higher education, especially in the field of science and technology. नारी शक्ति और लिंग समानता को बढ़ावा देकर हम मानव कार्यशक्ति, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्था में हम मानव कार्यशक्ति की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं. आजकल हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी कार्यशक्ति को बढ़ाएं. वर्कफोर्स मतलब